आज़ा की कहानी, आज़ा की ज़ुबानी। इस उनवान के तहत आइए सुनते हैं वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी की कहानी का दूसरा हिस्सा। समाअत फरमाइए। ऐसे में अगर दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी परेशानियां बयान कर दी जाएं, तो ज़हन का बोझ कम और आसाब पुरसकून हो जाते हैं। इनका खिंचाव ख़त्म हो जाता है तो कमर की तकलीफ भी चंद रोज़ में गायब हो जाती है। अगर मेरी बनावट का मुआयना करें तो कुदरत की आला इंजीनियरिंग का ये शाहकार आपको हैरत ज़दा कर देगा। मेरे तर्ज तामीर को देखकर आप कमर की तकलीफ़ की बहुत सी वजूहात भी समझ सकेंगे। आइए मैं आपको अपनी तर्ज तामीर के बारे में कुछ बताऊं। मेरे ऊपर के 7 मोहरे वर्टिब्रा आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप अपनी गर्दन को 180 जावियों पर घुमा सकें। आपके सर का वजन भी मेरे ही मोहरे संभाले हुए हैं। इन्हें सर्वाइकल्स कहा जाता है। दरमियान के मोहरों को थ्रोसिक का नाम दिया गया है। इनकी तादाद 12 होती है। ये बहुत कम जावियों में हरकत कर सकते हैं। इन्हें ज़्यादा हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये आपकी पसलियों से जुड़े होते हैं। मेरे इस इलाके में कोई पेचीदगी या तकलीफ़ बहुत कम पैदा कर होती है। मेरे आखिरी या निचले हिस्से के मोहरे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनाए गए हैं, क्योंकि जिस्म का ज़्यादातर वज़न संभालना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इनकी तादाद 5 होती है। इन मजबूत मोहरों को लंबर का नाम दिया गया है। इन 5 मोहरों के आखिर में डीडी की हड्डी कॉसिक है। ये हड्डी दरअसल 5 ऐसे मोहरों के एक दूसरे से जुड़ जाने से बनी है, जिन्हें सैक्रम कहा जाता है। मेरा निचला हिस्सा और ख़ास तौर पर 4थी और 5वें लंबर नामी मोहरों का इलाका बहुत सी तकलीफ़ों का गढ़ है। जब आप पैदा हुए थे उस वक्त मैं तकरीबन सीधी थी। जब आपका हिलता हुआ सर ठहरा तो मेरे गर्दन के मोहरे यानी सर्वाइकल भी ज़रा से टेढ़े हो गए। जब आपने घुटनों के बल चलना शुरू किया तो मेरे कमर वाले मोहरे थोरेसिक में भी एक उभार पैदा हो गया। इसका नतीजा ये कि अब मैं बिल्कुल सीधी नहीं हूँ। अब मेरी शक्ल तकरीबन अंग्रेज़ी के हरफ एस से मिलती जुलती है। ये कुदरत के बेमिसाल इंतज़ामात हैं। अगर मैं बिल्कुल सीधी होती तो झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझ में अब जो लचक मौजूद है उसकी वजह से मैं झटकों को बर्दाश्त करने की कई गुना ज़्यादा सलाहियत से मालामाल हो गई हूँ। इस लचक के अलावा कुदरत ने मेरी बनावट में झटके बर्दाश्त करने के दूसरे इंतज़ाम भी किए हैं। इस मकसद के लिए मेरे हर 2 मोहरों के दरमियान छोटी छोटी नरम गद्दियाँ या पैड मौजूद हैं। इन्हें डिस्क्स कहा जाता है। ये डिस्क्स बाहर से चबनी हड्डी से बनी हुई हैं और इनके अंदर जेली जैसा एक ख़ास मादा मौजूद रहता है। आपका बैरूनी कान भी इसी तरह की हड्डी यानी चबनी का बना हुआ है। नर्म हड्डी और इसके अंदर भरा हुआ मादा मेरे मोहरों को एक दूसरे से टकराने से महफूज रखता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्हें स्लिप डिस्क हो गई है, यानी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के दरमियान मौजूद गद्दी ये डिस्क फिसल गई है। ऐसा होता तो बहुत कम है। कमर के पट्ठों के खिंचाव की वजह से होने वाली तकलीफ़ को आम तौर पर स्लिप डिस्क कहा जाता है, वरना स्लिप डिस्क की तकलीफ इतनी मामूली नहीं होती। बेहतर है कि आपको इसके बारे में बता दूं कि ये होती क्या है और क्यों होती है। तो जनाब, मेरे मोहरों के दरमियान मौजूद ये गद्दियाँ यानी डिस्क कई खतरात में घिरी रहती हैं। आम झटकों को बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। इन्हें इसी मकसद के लिए बनाया गया है,
लेकिन अचानक कोई बड़ा झटका लग जाए तो बात दूसरी है। मसलन कार के हादसे या बुलंदी से गिर जाने की वजह से इन्हें शदीद नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा चोट मेरे निचले हिस्से में लगती है और किसी एक डिस्क को तोड़ देती है। अगर ऐसा हो तो बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेशन करके डिस्क के टूटे हुए टुकड़ों को निकालते हैं और एक दूसरे में घुस जाने वाले दोनों मोहरों को अलग कर देते हैं। इससे कम चोट लगने की सूरत में डिस्क टूटती नहीं, सिर्फ किसी जगह से फट जाती है। फटने की सूरत में इसके अंदर मौजूद जेली जैसा मादा बाहर निकल आता है और ये अंदर से खाली हो जाती है। खाली होने के बाद ये ऊपर और नीचे वाले दोनों मोहरों के दरमियान मौजूद आसाबी रेशों से टकराती है और मरीज को इंतहाई शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ता है। आसाबी निज़ाम के रेशे खुद को बचाने की कोशिश में वहाँ मौजूद कमर के पट्ठों को सुकेड़ने और तन जाने पर मजबूर कर देते हैं। इसके नतीजे में मरीज हरकत करने से माजूर हो जाता है। हकीकत यह है कि ऐसे में किसी किस्म की हरकत मजीद नुकसानात का सबब बन सकती है। इसीलिए जिस्म का आसाबी निज़ाम मरीज को चलने फिरने या हरकत करने से रोक देता है। सुकड़ने और तने हुए पट्ठे इंसान को एक ख़ास सिमत आम तौर पर आगे की तरफ झुके रहने पर मजबूर कर देते हैं। ये चटकी हुई डिस्क टांग की बड़ी शिरियान के आसाब को भी मुतासर करती है। ऐसी सूरत में शदीद दर्द की लहरें पूरी टांग हत्ता के पैर के अंगूठों तक जाती हैं। इस तरह के दर्द को अर्कुन निसा का दर्द कहा जाता है। सियाटिक पेन, अर्कुन निसा सियाटिक पेन। 45-50 साल की उम्र के लोगों में कमर का दर्द ज़्यादातर जिस्मानी कमज़ोरी और मेरे पूरे निज़ाम में खिंचाव की वजह से रोनुमा होता है। मेरे अंदर 400 पट्ठे हैं और झिल्ली की बनी हुई 1000 पट्टियां हैं जिन्हें लेगामेंट्स कहा जाता है। इस उम्र में अक्सर लोग कई खेलों के ज़रिए खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। बहुत से खेल मसलन गोल्फ खेलते वक्त उनके पेट पर दबाव पड़ता है। पेट के पट्ठे कमज़ोर हो चुके होते हैं, इसलिए ये इजाफी दबाव मेरे पट्ठों को बर्दाश्त करना होता है। इससे मेरे पट्ठों में खिंचाव पैदा होने लगता है। ख्वातीन में कमर के दर्द की शिकायत माँ बनने के दिनों में इसीलिए ज़्यादा होती है कि बच्चे का इजाफी बोझ भी मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ता है। ऊंची हील की सैंडल्स मुझे शदीद तकलीफ़ पहुँचाती हैं, जो आजकल ख्वातीन में बड़ी आम है। ऊंची हील की सैंडल्स ये मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचाती हैं। ख्वातीन की कमर में दर्द की शिकायत की एक वजह ऊंची हील की सैंडल्स होती हैं। यही नहीं, अक्सर लोग जिंदगी भर दुरुस्त तरीके से बैठना नहीं सीखते। कुशन वाली कुर्सियाँ और सोफ़े मेरे लिए सज़ा हैं। लोग बज़ाहिर आरामदेह कुर्सियों और नरम नाजुक सोफ़ों पर बैठकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं और मेरा पूरा निज़ाम शदीद एमरजेंसी से दोचार हो जाता है कि रीढ़ की हड्डी के मोहरों को किस तरह दुरुस्त हालत में रखा जाए। बेहतर है कि फर्श या तख्त पर रुई का हल्का सा गद्दा बिछाकर सोने की आदत डालें। फोम वाली कुर्सियों से निजात हासिल करें। प्लास्टिक की ज़रा सख्त कुर्सी इस्तेमाल करें। मेज़ पर ज़्यादा ना झुकें और अपनी टांगों को बार बार एक दूसरे पर रख कर मुझे आराम पहुंचाते रहें। सोने के लिए लेटें तो सीधे लेटें या किसी करवट से, लेकिन जिस्म को सीधा रखें। कई बच्चे अपने घुटने अपने पेट में घुसा कर सोते हैं। ये अंदाज बिल्कुल गलत है। आपके इस तरह सोने से मुझे और मेरे पट्ठों को बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। इसी तरह उल्टा लेटना भी तरह तरह के मसाइल पैदा करता है। 50 साल की उम्र के बाद आपको वज़न उठाने में ज़्यादा एहतियात करना चाहिए।
इस दौर में हड्डियों में कैल्शियम खासी कम हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर पड़ चुकी होती हैं, इसलिए इस दौर में ज़्यादा ताकत लगाने से बचें। बहुत दिनों से बंद खिड़की को जोर लगाकर खोलने से भी इस दौर में आपकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ पैदा हो सकती है। मेरे ऊपर के मोहरे यानी सर्वाइकल आपके लिए आम तौर पर बहुत कम तकलीफ पैदा करते हैं, लेकिन अगर किसी सबब से यहाँ कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो इंसान को बड़ी शदीद अजियत से गुजरना पड़ता है। दर्द की शदीद लहरें गर्दन से बाजुओं तक फैलती महसूस होती हैं। गर्दन का अकड़ जाना इतना बड़ा मसला नहीं, ये तकलीफ दरअसल मेरे पट्ठों और झिल्लियों जैसी पट्टियों यानी लेगमेंट्स में खिंचाव की वजह से पैदा होती है। ऐसा जख्मी जिसकी रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आ चुकी हो, उसे कभी गर्दन में हाथ डालकर ना उठाएं। इस तरह उसे मजीद नुकसान पहुंच सकता है और वो हमेशा के लिए मफलूज भी हो सकता है। बुढ़ापे की आमद के साथ साथ जिस्म के पट्ठे और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। डॉक्टर के मशवरे से रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करना, ज़हनी परेशानियों और मुश्किलात में रोज़ाना दुआ के ज़रिए अपने बनाने वाले से दिल का हाल कहकर जहन का बोझ हल्का करते रहना, सेहत और सफाई के उसूलों को अपनाना और खाने पीने में इतदाल कायम रखना, मुझे ही नहीं आपके पूरे जिस्म को मुद्दतों सेहतमंद रख सकता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा पुरसकून, आरामदेह और तरह तरह की तकलीफ़ों से महफूज रहता है।